जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दोनों आतंकी ढेर, आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बल ने की कार्रवाई। पुलवामा में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी के गांव में आग, 10 से 15 मकान आए चपेट। गाजियाबाद में इंद्रापुरम में एक्सोटिका ई स्क्वायर सोसाइटी में आग, दमकल विभाग ने पाया काबू। अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल के फ्लैट में लगी थी आग, सभी लोग सुरक्षित। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में चर्चा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देंगे जवाब। सरकार की नई गाइडलाइन लागू, रात से हुई लागू। ओमिक्रॉन प्रभावित 14 देशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर होगा टेस्ट। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से महाराष्ट्र आए 6 लोग पॉजिटिव, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से दिल्ली आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर कराना होगा टेस्ट, नेगेटिव आने पर भी 7 दिन क्वारंटीन। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार, कहा दिल्ली में 30,000 बेड तैयार, 10 आईसीयू बेड भी शामिल। 4 दिसंबर की बैठक में वापस लिया जा सकता है किसान आंदोलन वापसी का फैसला, किसानों की आज भी बैठक। आंदोलन को लेकर किसानों में 2 मत, 32 जत्थेबंदियों का रुख नरम, घर लौटने का ले सकते हैं फैसला। 5 तारीख को संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक होगी, क्या घर वापसी का ऐलान हो सकता है? हाँ, उसी दिन ठीक है, 99% उसी दिन हो सकता है। आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं राकेश टिकैत, बोले जो पहले घर जाएगा वो पहले जेल भी जाएगा। सब टारगेट तो सरकार के हैं, जो जितना जल्दी यहाँ से जाएगा उतना ही जल्दी जेल भी जाएगा, सब है, तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है अभी। एमएसपी कानून पर विचार करने के लिए तैयार है सरकार, चर्चा के लिए किसानों से मांगे 5 प्रतिनिधियों के नाम। किसानों के एक गुट का दावा, सरकार की ओर से आए फोन, संयुक्त किसान मोर्चे का बयान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, अभी तक मीटिंग तय नहीं। एमएसपी कानून की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा, संसद में आज भी हंगामे के आसार। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, किसानों का कर्ज वापस लेने की मांग। निलंबित सांसदों पर गतिरोध बरकरार, आज भी संसद में हंगामे के आसार। निलंबित 12 सांसदों का संसद परिसर विरोध प्रदर्शन, महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने देंगे धरना। निलंबित सांसदों पर विपक्ष का कड़ा रुख, कहा जनता को लेकर सवाल के लिए माफी क्यों, सुबह 10 बजे बैठक। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने निलंबित सांसदों की अपील खारिज की, खड़गे ने चिट्ठी लिखकर फिर से विचार करने की अपील की। मुंबई में आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से करेंगे मुलाकात, ममता बनर्जी खराब सेहत की वजह से सीएम उद्धव ठाकरे से नहीं हो पाई मुलाकात। ममता बनर्जी से मिले महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे, शिवसेना सांसद संजय राउत भी साथ में थे मौजूद। सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मिलेंगे ममता बनर्जी, शाम 5 बजे यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में होंगी शामिल। मुंबई पहुंचते ही ममता बनर्जी ने सिद्धि विनायक मंदिर में किए गणपति बप्पा के दर्शन। तुकाराम उम्बले के मेमोरियल पर भी पहुंची ममता बनर्जी, 26/11 के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे अमरिंदर सिंह, गठबंधन समेत कई मसलों पर होगी चर्चा। लगातार दूसरे दिन सीआईडी के सामने पेश हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, वसूली के 2 मामलों में चल रही है जांच। चंदीवाल कमीशन के सामने भी पेश हुए परमबीर सिंह, सचिन वाजे और अनिल देशमुख की भी पेशी। परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है महाराष्ट्र सरकार, सूबे के गृह मंत्री बोले शुरू हो चुकी है निलंबन प्रक्रिया। सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट किया वीडियो, न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास के एक अफसर के व्यवहार पर सवाल। सिमी ग्रेवाल के पिता का हो गया था निधन, वीजा के लिए थी अर्जी, कार्रवाई के दिए गए आदेश। मुंबई के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, आसमान में छाए हैं बादल। दिल्ली एनसीआर में अब भी प्रदूषण से छुटकारा नहीं, सुबह से छाई है धुंध। दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 362। दिल्ली सरकार ने नर्सरी दाखिले के लिए जारी किया कैलेंडर, 15 दिसंबर से मिलेंगे फॉर्म। नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 जनवरी तक, 4 फरवरी को पहली लिस्ट। तेलंगाना के सिलसिला में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में हादसा, बेकाबू हो गए बैल, कुछ कार्यकर्ता घायल। पेट्रोलियम पर वैट कम करने की मांग को लेकर था बीजेपी का विरोध, बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन। अमृतसर के पार्षद के बेटे पर संपत्ति कब्जे का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। चेन्नई में चलती बस के अंदर हंगामा, नशे में धुत पुलिस वाले ने लोगों पर किया हमला, लोगों ने मिलकर आरोपी पुलिस को नीचे उतारा, वीडियो वायरल।